सब्सक्राइब करिए हाइफा स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाइफा स्टडी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आऊँ संडे कमेंट बॉक्स, जो कि एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैं आपके 10 कमेंट्स लेकर के आया हूँ, 10 से 12 कमेंट्स होंगे जो कि 10 से 12 टॉपिक से रिलेटेड होंगे, यानी 10-12 टॉपिक से रिलेटेड और 10-12 ही कमेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पर जिस टॉपिक पे ज़्यादा कमेंट होंगे वहाँ से मैं कमेंट को उठाऊँगा और पर डे आपको संडे को कमेंट बॉक्स में आपको उसका सोल्यूशन बताऊँगा या उस कमेंट के ऊपर बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि पहला कमेंट्स आप देख सकते हैं, पहला कमेंट्स दिया है शिवानी ने 52 मिनट पहले दिया है कि सर सेकेंड सेमेस्टर में 7 बुक होंगी, मीन्स सब्जेक्ट टोटल 7 होंगी। तो दोस्तों, आपको अगर सेकंड सेमेस्टर का पूरा सिलेबस देखना है, वहाँ पर आपको 2 एक्स्ट्रा दिखाई देंगे, यानी 7, 2, 9 दिखाई देते हैं, लेकिन वहाँ पर वो इंटर्नशिप मिलता है या फिर कॉलेज से जो आपको करवाना होता है वो भी वहाँ पर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, लेकिन आपकी जो रियल सब्जेक्ट्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ कितनी सब्जेक्ट होती हैं, 7 सब्जेक्ट होती हैं। ठीक है, आप जहाँ से कमेंट करेंगे इस वीडियो में वहाँ पर जाएंगे, आपको वहाँ पर सबसे ऊपर आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी, वो हाइफा स्टडी यानी अपनी ही वेबसाइट है। ठीक है, और उस वेबसाइट पे आपको जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे वहाँ पर आपको टोटल जितना भी पार्ट टू यानी लेसन टू लेसन यानी जितने भी पार्ट हैं, ठीक है, जितना भी आपको पार्ट पढ़ना है, चैप्टर पढ़ना है, वो सब कुछ वहाँ पर बताया गया, यानी सेकंड सेमेस्टर का पूरा सिलेबस है वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट के ऊपर। नेक्स्ट कमेंट आया है हिमांत का। ठीक है, उन्होंने बताया कि सर टाइमिंग बता दीजिए। टाइमिंग बताने का मतलब यहाँ पर कि जो मॉक टेस्ट की टाइमिंग होती है वो सभी को पता है कि 3:30 बजे शाम को होता है मॉक टेस्ट। ठीक है, आप उस टाइम समय निकाल करके मॉक टेस्ट जरूर दिया करें। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कमेंट आता है बबीता का, और बबीता ने बोला है कि सही बोले सर जी, बिना एग्ज़ाम पास होने लगे तो किस बात का कंपटीशन रह जाएगा, देर से ही सही पर एग्ज़ाम होना चाहिए। जी हाँ, एग्ज़ाम आपका कंफर्म है, एग्ज़ाम आपका ज़रूर होगा, बस थोड़ा सा लेट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर प्राइवेट कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो पैसे देकर घर में बैठते हैं और उनका अच्छा सा अच्छा रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो स्टूडेंट का, जैसे मान लीजिए किसी का वैसे बैक नहीं आना चाहिए, लेकिन मान लीजिए किसी ने किस सब्जेक्ट में तैयारी नहीं की है और मान लीजिए उसका बैक आ रहा है, और जो स्टूडेंट दिन रात मेहनत कर रहा है उसको भी, और जो कम मेहनत कर रहा है उसको भी बराबर हम नहीं तौल सकते। ठीक है, यानी यहाँ पर पेपर होना चाहिए और पेपर 100% पेपर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो कमेंट है वो है आर्यन सिंह का। आर्यन सिंह ने कमेंट किया है कि सर क्या मैं अभी से सेकेंड सेमेस्टर पढ़ सकता हूँ? तो देखिए, आप सेकंड सेमेस्टर पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेकंड सेमेस्टर पढ़ सकते हैं, लेकिन सेकंड सेमेस्टर पे ज़्यादा फोकस मत करिएगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पढ़े आप उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन सेकंड सेमेस्टर पे ज़्यादा फोकस मत करिएगा, क्योंकि अगर सेकंड सेमेस्टर पे फोकस करेंगे तो आपको सेकंड सेमेस्टर ज़्यादा याद होने लगेगा और पीछे का जो फर्स्ट सेमेस्टर जो कि अभी एग्ज़ाम भी नहीं दिए हो वो आप भूलते हुए चले जाओगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर करना क्या है कि सेकंड सेमेस्टर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है। अगला कमेंट आया है कि सर आप सेकंड सेमेस्टर क्यों शुरू किए हैं? तो देखिए, अभी तक मैंने सेकंड सेमेस्टर नहीं शुरू किया है, यानी सेकंड सेमेस्टर अभी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, इसी वजह से, या फिर कोई डेट आ जाए एकदम कंफर्म तब मैं सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट नहीं करूँगा और ना ही अभी सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी फर्स्ट सेमेस्टर के पीछे ही मैं हूँ। ठीक है, और आप टेंशन मत लीजिए, फुल सिलेबस सिर्फ मैंने यहाँ पर आप सभी को बताया है। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है अंकित मौर्य का, उन्होंने बोला कि सर क्लास चलाइए, अब 3 महीने पेपर नहीं होगा। देखिए, कंफर्म नहीं कह सकते हैं हम लोग कि 3 महीने पेपर होगा, अगर हालात सुधर जा रहे हैं तो शायद अप्रैल के लास्ट में हो सकता है पेपर। ठीक है, और अगर हालात नहीं सही हो पा रहे हैं तो मई में पेपर आप जा सकता है, लेकिन ये नहीं है कि हाँ जून में आपका पेपर होगा। ठीक है, ये अभी हम नहीं कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है किशोर का कि बुक किस पब्लिकेशन की सही रहेगी? देखिए, सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में नए नए आप लोग स्टूडेंट थे तो आपको नहीं पता था कि यहाँ कैसे बुक लेना चाहिए। तो देखिए, बुक जो होती हैं वो समान होती हैं, सब बुक सही होती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप पवन सीरीज़ की बुक लेते हैं या पवन सीरीज़ की बुक लेते हैं या पवन की गाइड लेते हैं तब आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि पेपर होंगे या नहीं? तो यहाँ पर देखिए, पेपर होंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको अफवाह नहीं, ये अफवाह है सबकी, पेपर नहीं होंगे, डायरेक्ट पास कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, पेपर आपके ज़रूर होंगे। अगला क्वेश्चन है मीनू यादव का कि सर सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी अभी से शुरू करें या फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम के बाद? तो देखिए, आप तैयारी शुरू कर सकती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तैयारी शुरू करिए
और ज़्यादा लेकिन फोकस मत करिएगा उसके ऊपर, बस ऐसे मेन मेन पॉइंट या ऐसे आप लोग कहानी के बारे में ऐसे थोड़ा सा समझ के, हाँ भाई इसमें क्या है और किस तरह के चैप्टर हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये आप लोग आराम से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आप एकदम से उसके ऊपर हावी नहीं होंगे कि हाँ हमें सेकंड सेमेस्टर की ही तैयारी अब करना है, अगर उसके पीछे आप पड़ेंगे तब आप फर्स्ट सेमेस्टर भूलते चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शिखा दुबे का। शिखा दुबे जी कह रही कि सर पहले से पेपर हार्ड आएगा क्या, प्लीज़ सर रिप्लाई मी। तो देखिए आप 2015 से लेकर के 2019 तक कोई भी पेपर उठा लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर का, तो वहाँ पर देखिए कि 15 में थोड़ा सा आसान था, 16 में थोड़ा सा कठिन हुआ, 17 में और कठिन हुआ, 18 में और कठिन हुआ, 19 में और कठिन हुआ। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि पेपर हार्ड नहीं होगा, पेपर बिल्कुल है हार्ड होगा, ठीक है, इतना हार्ड नहीं होगा, लेकिन हार्ड पेपर आपका जैसे कि आप देख सकते हैं 2015 में थोड़ा सा आसान क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन थे, उसके बाद 17 में और कठिन हो गए, उसके बाद 19 में देखिए और कठिन हो गए, यानी 18 में तो कठिन नहीं थे, 19 में और कठिन हो गए, तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन का लेवल आपका जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा अंकिता पांडे का क्वेश्चन है कि सर फर्स्ट सेमेस्टर बैक वालों का क्या होगा। देखिए अगर फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आ जाता है, अगर आपका एक सब्जेक्ट में बैक आता है, ठीक है, अगर आपका एक सब्जेक्ट में बैक आता है तब दोबारा से फॉर्म भर के आप फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दे सकते हैं ले और आप सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर एक में आ गया, दो में आ गया, तब तो आप है कि हाँ बैक का पेपर आप लोग दे सकते हैं और सेकंड सेमेस्टर में आपको एडमिशन साथ में मिल जाएगा। लेकिन अगर तीन सब्जेक्ट में आ जाता है तब आपको वहीं पर स्टॉप कर दिया जाएगा और फिर से आपको फर्स्ट सेमेस्टर पूरा पढ़ाया जाएगा, ठीक है, यानी कि आप उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि आप फॉर्म भर सकते हैं, दोबारा से बैक पेपर दे सकते हैं, यानी अगर तीन सब्जेक्ट में आ गया तब आपको दोबारा से फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ना पड़ेगा पूरा का पूरा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा धनंजय सिंह का है, इन्होंने बोला है कि क्या हम लोगों का डीएलएड 2 ईयर से ज़्यादा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हालत की वजह से आपका जो ये है डीएलएड 2 वर्ष से ज़्यादा निकल सकता है, ठीक है, वैसे भी निकलता है, जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने क्या किया था जुलाई में एडमिशन लिया, तो जुलाई से जाके फिर जुलाई में आपका 1 साल पूरा हुआ, ठीक है, जुलाई में नहीं पूरा होता है 1 साल, 1 साल जाके आपका अगस्त सितंबर में पूरा होता है। कब होता है? जब आप एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब देते हैं, जब आप जाके देते हैं फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम, तब जाके आपका पूरा होता है, यानी सितंबर में, ठीक है, सितंबर अक्टूबर में। तो उसी प्रकार से मान के चलिए कि 2 से 2.5 महीने लग जाते हैं कभी कभी, और इस वजह से इतना लेट है, तो आपका 3 ईयर भी लग सकता है, ठीक है, ऐसे कोई बात नहीं है, 3 ईयर भी लग सकता है हालात को देखते हुए, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आपके 10 से 12 कमेंट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने सोचा कि आपको संडे कमेंट बॉक्स में इन सारे क्वेश्चनों का जवाब दिया जाना चाहिए। तो आशा करते हैं कि जितने भी क्वेश्चन थे यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट थे और इसके बारे में आप लोग जानना भी चाहते थे, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा है आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपका भी कमेंट इस वीडियो के माध्यम से आएगा, तो आप भी अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स जरूर करें, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन क्वेश्चनों का भी जवाब काफ़ी सारे स्टूडेंट सोच रहे हों तो उनको भी मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जवान, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।